अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। मैं इस समय खड़ी हूँ फैजाबाद जनपद के मिल्कीपुर तहसील अंतर्गत इनायत नगर थाना क्षेत्र के पलिया माफी गांव में। इस गांव में के तीन युवक जो गरीब परिवार से हैं, गरीब 15 दिन पहले नोएडा दिल्ली मजदूर करने गए थे। वहां मकानों में पेंटिंग का काम करते थे। नोएडा में एक इमारत में रहते थे जहां इमारत गिरने से मलबे में दबकर युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। मंगलवार 17 तारीख को रात में 9:30 करीब लमसम गिर गई, तो वो सुबह जाके ये क्लियर हुआ कि वही बच्चे उसमें रंगाई पुताई काम करते थे। फिर यहाँ घर पे उनका फ़ोन आया और वो कहने लगे कि हमारे ही बच्चे थे। एक ही डेड बॉडी मिली थी शमशाद की, और एक नौशाद था, एक सोनू था। और हम तो ये वहाँ के शासन प्रशासन से 50,000 रुपये का मुआवजा भी मिला है। आप लोग को वहाँ कोई सहायता मिली थी कि नहीं? हमको वही सहायता मिली कि खाली वही 50,000 का चेक दे दिया गया और उसके बाद एम्बुलेंस दे दिया गया, आप घर लेके आओ। और कोई सहायता हमको फिलहाल अभी तक नहीं मिली। और उसके बाद बॉडी लाने के बाद घर पे कोई शासन प्रशासन या अधिकारी या SP SDM या SO कोई भी अभी तक हमारे घर दरवाजे पे नहीं आया। वो तीनों बॉडी लाने के बाद आधा घंटे के अंदर अंदर हमको इतनी बॉडी मतलब ख़राब हो चुकी थी कि हमको आधा घंटे के अंदर अंदर उसकी सब क्रियाकर्म करना पड़ा। हमको मेरे भाई थे दोनों, वो कहाँ रहते थे? दिल्ली में, नोएडा में। कैसे क्या हुआ? बिल्डिंग गिर गई, उसी घटना में मेरे दोनों भाई की मृत्यु हो गई। तो वहाँ से आपको मतलब सहायता करने के लिए कोई मदद आई थी, मिली कि नहीं? कोई सहायता नहीं मिली हम लोगों को। ये मदद करने के लिए कोई आया था यहाँ कि नहीं? नहीं, कोई नहीं आया था। अभी तक कोई नहीं आया दरवाजे पर, कोई नहीं आया, ना कुछ निकले आया ना कुछ पूछे आया। अधिकारी आए थे कि नहीं? नहीं, हमारे घर पे अभी कोई अधिकारी नहीं आया, ना हमें किसी प्रकार की कोई मदद मिली है अभी तक।